हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग। सो हाँ जी, अभी हो रही है शाम, तो आज आप देर से देख सकते हैं मैंने थोड़ा यहाँ का सेटअप अपने गार्डन का चेंज करा है। और ये वाली जो वुडन रॉकिंग चेयर है मेरी, ये मैं बाहर ले आई हूँ। यार पीछे रूम तक ग्लास तक कोई जाता ही नहीं है, किसी का बैठना ही नहीं होता, तो ये बस जब से आई थी तब से ऐसी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा चेंज करा जाए, और बस इसको ला के यहाँ रखा। और अब यहाँ पे शाम को आके मैं यहाँ पे अपना फ़ैन चलाया, और वैसे भी बाहर इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलैक्स करा जाए, चिल करा जाए। सारा दिन अंदर कमरे में बैठे बैठे भी थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, और थोड़ा ऐसा भी लगता है कि बस यार अब क्या करें। यहाँ पे मैं अपना शाम के टाइम जो अपनी इवनिंग वॉक करती हूँ घर पे, अब यार मॉर्निंग वॉक भी शुरू करनी है। शान बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि तो फिर वापस यहाँ पे आके आलसी हो गई है। अच्छा खासा रूटीन बना हुआ था, वॉक शॉक करते थे, तो अब होपफुली कल से जैसे स्कूल स्टार्ट है तो कल से देखो वॉक स्टार्ट होती है। गाइस ईशान नीचे आ चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, बहुत लेट हो चुका है, तो चलो चलते हैं और जाके दिखाते हैं आज जन्माष्टमी की क्या रौनकें लगी है। हम लोग जा रहे हैं अभी सब्जी लेने, फिलहाल जाना तो पता नहीं कहाँ था, बट अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने। पहले हम लोग निकले स्कूटी पे, फिर प्लान चेंज हो गया, शांगे थे कुत्ते बहुत हैं यार, इससे बेटर है हम लोग गाड़ी पे चलते हैं आराम से। गाना बंद करो प्लीज गाइस, कॉपीराइट आ जाएगा। यस, क्या करो शांत तुम? मेरे को था कि इस टाइम जाना, हम वैसे तो मंदिर जाते रहते हैं, पर इस टाइम जाना बेवकूफी मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि इस टाइम ना जेब कतरे बहुत घूमते हैं। इतनी भीड़ होती है, किसी के लेडीज को टच हो रही हो, किसी को क्लेश पंगा हो जाएगा। राइट, इस चीजों से मेरे को बड़ी वो होती है। मंदिर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भगवान तो रहने तो वही है, वो तो जन्माष्टमी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो घर पे पूछ लो चाहे वहाँ पूछ लो, वो चीज तो एक ही है, मन से ध्यान लो। पर बात है कि आजकल के त्योहार है ना, पहले के तरह नहीं रहे, वो वाले बात भी नहीं रही, वो एक्साइटमेंट जैसे सबको इतना खुशी रोल होती थी ना। आजकल आजकल लोग पता क्या करते हैं, आजकल लोग जाते हैं दूसरे सेंस के साथ, बोलना नहीं चाहते, तो लोग जेब कतरे वगैरह हो गए, नशेड़ी हो गई, ज्यादा घूमते हैं इन चीजों में, क्योंकि उनको पता है उनकी दिहाड़ी बननी यहीं से, इसलिए मेरा जाने को दिल नहीं करता। और फिर ये होता है कि अपनी सेफ्टी पहले अपने हाथ में ही है। देखो वो तो फिर बाद में अपने आप को कोसने से पहले संतुष्ट होकर चल लो ना। एक फिर वो भी तो बात आ जाती ना कि एक विश्वास वाली बात होती है ना। एक दूसरी बात तो दिन तो देखो हर रोज ही वो है, सेम डे है ना। बाकी ये होता है कि खाने पीने का बच्चों को होता है, मेला माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं, मेला दिखाने का मतलब यही होता है, बच्चों को खाना पीना और भगवान के दर्शन। पर जिस टाइम जो कोई फेस्टिवल होता है तब तो मैं खुद कहूंगा किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो जेब कतरे ज्यादा होते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो शक्ल में बच्चों के बारह, इतना पसीनों पसीने, इतनी गर्मी है ना, बहुत बुरा हाल है। सो हमारे यहाँ पे लगती है सब्जी मंडी, तो हम लोग आए थे अपनी सब्जी वगैरह फ्रूट्स लेने के लिए जैसे आपको बताया, तो वही लेते लेते इतना टाइम लग गया, 10:30 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ये ना सामान बाकी जो है डिक्की में पड़ा है, चलो घर चलते हैं, सबसे पहले सामान सारा ऊपर चढ़ाना है और फिर दिखाते हो क्या क्या लिया हमने। सो गाइज हम लोग आ गए अपनी सब्जी लेके घर वापस, और अभी आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेकर आए हैं। हम बहुत सारी अपनी सब्जियाँ फ्रूट सब कुछ लेकर आए हैं, और बस अयान का मन कर रहा था आलू नान खाने का, तो हम लोग वो भी पैक करवा के लेकर आए हैं। तो चलो फटाफट चेंज करते हैं और अपना डिनर लगाते हैं। बड़ा प्यारा है इसको अब, क्योंकि इसको पता है मैं पापा को
क्या हुआ? अब तो अच्छा मुझे बता। मिठू मिठू मेरी जान है ना। अब मैं इस टाइम अयान की गर्ल की बेस्ट मम्मा होंगी। अयान इस टाइम मैं इससे कुछ भी काम करा लूं, पता है सारे काम कर देंगे मेरे सारे। ये देखो सो गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है और आज शान का ऑफ था तो सोचा थोड़ा पेंट वाले भैया को बुला के फाइनल टचअप्स वगैरह थे वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा था और साथ में बारिश के मज़े लिए जा रहे थे। एक्चुअली अपने यहाँ पे ना पाइपलाइन वगैरह लगवाई है तो जब वो लगवा रहे थे ना तो वो भैया जो उनके आए थे उन्होंने जहाँ जहाँ हाथ लगाया था ना वो सब गंदा हो गया था। और वो अब आपको पता ही है कि वाइट पेंट है वो सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए वो आए थे टचअप करने के लिए यहाँ पे। सो उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम और समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, तो ईशान लेके आए थे चिकन सीख, तो उसके बाद हमने उसको घर पे पहले जो है एयर फ्रायर में फ्राई किया और फिर उसके बाद ये सारी वेजिटेबल्स कट करके जो है तड़का लगाया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शूट करा जाए और आप सबके साथ शेयर की जाए रेसिपी। तो गाइस जितने में तड़का लगाया उतने में हमारे एयर फ्रायर में जो सीख है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और आपको पता है एयर फ्रायर में बहुत ही हेल्दी है ये, कोई भी ऑयली नहीं है, डीप फ्राई नहीं करे हुए। तो उसके बाद जब हमारा तड़का रेडी हो गया उसमें हमने ये सारे सीख डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो तड़के में आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, जो जो आपको दिखाया है बस वही ऐड करना। अगर इनकेस आपको लगे तो आप बिल्कुल यू नो थोड़ा बहुत जो है पानी ऐड कर सकते हो। मेरे तो बोलते हुए भी वॉइस ओवर करने के बाद भी तब पानी आ रहा है मुँह में। सो मेरे को तो बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग लगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, फाइनल प्लेटिंग तो देखते हुए जाओ। अब रेसिपी तैयार करी यार, प्लेटिंग तो देखना बनता ही है ना। ये था एक छोटा सा व्लॉग जो कि दो तीन दिन मिक्स करके बनाया था। अभी फिलहाल जो मैं शूट कर रही हूँ ये मैं एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबका थैंक यू करना बनता है इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बस मैं भी ये व्लॉग अभी यहाँ पे एडिट कर रही थी अभी भी, और इससे नेक्स्ट डे हो चुका है। सो आज है वेडनेसडे, सो मैं ये व्लॉग जो है एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ 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 गाइज इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। सो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं यहाँ से जो है न्यू व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। बाय बाय, टेक केयर।